तो मेरा पहला सवाल यह है कि ये जो अभी फ्लेयर अप एलएसी पे हुआ है, क्या मामला ज्यादा गंभीर है जितना दिख रहा था, उससे भी ज्यादा गंभीर है आपके हिसाब से? गंभीर तो पहले ही था। हम लोग तो पिछले साल ही बोल दिए थे कि चाइना का इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी आप डोमेस्टिक चेंजेस लाते हो इसके बारे में भी एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन खैर सरकार की अपनी कैलकुलेशंस होंगे, मैं इन चीज़ों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दे आर इन अ बेटर पोजिशन की स्थिति को देखें, बाहर की स्थिति और अंदर स्थिति, तो वो तो देख रहे हैं कि हम भी डील करें कोरोना के साथ। अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों का फायदा उठाएंगे। और पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चल रहा है, कल ही देखें हमारे हाई कमीशन के दो स्टाफर जो है उन्होंने कुछ कुछ बंदी बना के ले गए थे। और परसों ही नेपाल के सरकार ने पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल पास कर दिया था। तो चाइनीज वगैरह मौके का फायदा उठाते हैं, ऑल दो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे उनसे जुड़ पाते होंगे ये चीजें, लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट बना है तो भारत के आगे एक एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा बॉर्डर पे। और तो हम अगर अमेरिका के चक्कर में फंसे हैं तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में भूल रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी इलेक्शन में जाने वाला है, उसके अंदर के अपनी प्रॉब्लम है, उनकी कोरोना से प्रॉब्लम है। तो भारत को शायद मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, बातचीत से और राजनीति के तौर पे, कूटनीति के तौर पे इन चीजों को संभालना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि मौका है लड़ाई करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश में गए, विजिट हुई। तो ऐसा लग रहा था कि एक एनालिस्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा मोदी जी ने चाइना को भाव दिया, और उसका नतीजा अब यह है कि वहां पे स्टैंड ऑफ हो चुका है वहां पर, और आज तो फ्लेयर अप भी हुआ है। आपको क्या वजह लगती है कि क्यों ये जो ताजा सूरत हाल पैदा हुई है, इसके क्या कारण रहे होंगे? आप ये तो मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने चीन को लेके जो रुख अपनाया था, कंसिलेटरी जो पोजीशन अपनाया था, मुझे लगता है चीन चीन की तरफ से भी ऐसी शायद रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे से रहा होगा, उन्होंने भी जब वुहान में प्रधानमंत्री को बुलाया तो उसी स्पिरिट से बुलाया होगा, वो अच्छी बात है, नहीं, रखना आपने सही चाहिए। कहा कि चाइना की लेकिन तरफ से भी जब अच्छे सिग्नल्स मिल रहे थे, हाँ तो फिर क्या हुआ हाँ कि ये एलएसी पे स्टैंड अप हो गया एक तो महीने से? लेकिन हम ये सवाल पूछ नहीं रहे हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा था ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया जो हमें लड़वाने के चक्कर में आ गया? तो मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमारे समझ से भी थोड़ा बाहर है। ये सडनली ये तो रातों रात तो हुआ नहीं है, इसके बिल्टअप हो रहे थे, उसकी एटमोस्फेयर बैकग्राउंड बन रहे थे। आपका इशारा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ तो नहीं है, थर्ड नहीं, फैक्टर? ट्रम्प को तो खुद ही पता नहीं है क्या हो रहा है अपने देश में, तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन देर इज अमेरिका बियॉन्ड ट्रम्प ऑल्सो। ये समस्या का क्या बढ़ेगी आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि ये एस्केलेशन, अब कम जो एस्केलेशन हुआ है वो खत्म हो जाएगा और मामला आगे नहीं बढ़ेगा? ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आने वाले दिनों में 22 तारीख को रशिया इंडिया चाइना का मीटिंग होने वाला है, तो अब तो ये देखने वाली बात है ये मीटिंग होता है कि नहीं होता है। शायद यही लगता है कि मीटिंग हो ही नहीं। ये इस एस्केलेशन का अगर मैं मानूं तो या तो भारत नहीं चाहता है या चीन नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो। रशिया तो नहीं चाहेगा कि ये मीटिंग ना हो, वो तो चाहेगा, या कोई तीसरा भी होगा जो मीटिंग नहीं चाहता है। रशिया इंडिया चाइना को मिलकर बात करना चाहिए, वो अमेरिका तो ये नहीं चाहता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पहला कैजुअलिटी तो वो मीटिंग ही रहेगा, शायद हो ना हो या अनसर्टेन एक सिचुएशन में डाल दिया है। बाकी बॉर्डर पे तो ये मुझे इतना बड़ा चीज नहीं लगता है। सीरियसली गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी तो आर्मी ने भी कंफर्म किया है कि उनकी तरफ से भी कैजुअलिटी हुआ है, तो देर इज ए इक्वलाइजिंग फैक्टर, जो बराबरी का एक सिचुएशन है। कम से कम पब्लिक सेंटिमेंट को आप हैंडल कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे जवान नहीं मरे हैं, उनकी तरफ से भी मरे हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इमोशन, परसेप्शन, ये चीजें मैटर करता है।